सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। जिस तरह से आपको मालूम पूरे देश में महामारी कोविड भारत देश में चल रहा है, प्रकोप चल रहा है, उसको लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं रोज़ 16 दिन से लगातार, रोज़ अखबार में देखा जाए तो आप यही ये चीज़ पढ़ने को मिलती है कि आज डीजल के दाम बढ़े। लेकिन इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये देखना चाहिए कि महामारी में किस लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको रोज़गार देना चाहिए, उनको खाना पहुंचाना चाहिए, उनको राशन पहुंचाना चाहिए, उनको अपने स्थानों पर पहुंचाना चाहिए। वो काम तो उनसे हो नहीं रहा है, वो तो सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी को लेकर के आज हमारे यूथ कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया, जिसमें हमने जागरूक जनता को दिखाने के लिए कि जिस तरह से हमारी कांग्रेस सरकार में अगर 25 पैसे पेट्रोल बढ़ जाते थे तो ये बीजेपी के नेता इतना उधम मचा देते थे, अल्लाह करके सड़कों पर उतर जाते थे। लेकिन आज भी आज की तारीख में कोई भी बीजेपी का नेता, कोई भी अधिकारी, बीजेपी के अजमेर के नेता नहीं बोलने को तैयार है पेट्रोल डीजल के मामले में, क्योंकि उनको मालूम है ना कि वो क्या बोलेंगे। और इसलिए आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और हम यही चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की वृद्धि अगर कम नहीं करी केंद्र सरकार ने तो हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और आगे भी हम इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। डॉक्टर सुनील लारा, पहले भारत में कोरोना महामारी ने पैर पसार लिए थे, उसके चलते मोदी जी ने बात करी थी कि मैं देश को लेकर के चलूँगा, मैं पूरी अर्थव्यवस्था बना करके चलूँगा। और याद रहे वो दिन जब एक दिन मोदी जी ने कहा था कि अगर मेरी नोट बनती है और GST का मामला अगर मेरा जनता गलत मानती है तो मेरे को चौराहे पे खड़ा कर सकती है। आज हमने सिंबॉलिक उसी चौराहे पे लाके मोदी जी का पुतला हमने दहन किया है। हमारी सवाल है इस बात को लेकर के मोदी जी ने 2,20,000 करोड़ से लेकर 20,00,000 करोड़ तक का जो इन्होंने सफर तय किया है, जिसमें इन्होंने बोला कि मैं भारत की जनता को 20,00,000 करोड़ का एक अनुदान राशि दूंगा, तो हम लोगों के ये सवाल है कि वो 20,00,000 करोड़ कहाँ गए? अगर मोदी जी चाहते तो उस 20,00,000 करोड़ को धरा पर लेकर के आते। ये पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये वहाँ पे निवेश करते और पब्लिक को राहत पहुँचाते। आज हम लोगों ने सिंबॉलिक भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से कंधों पर आती जा रही है और एक तरीके से जैसे जनाजा उठा करके लेकर के जाते वैसे सत्ता जनाजों पे चल रही है, हम लोगों ने उसके सिंबॉलिक यहाँ पे हम लोग गाड़ियों को रिक्शा पे खींच करके लाए हैं। हमारा बताने का सिर्फ ये मकसद है कि मोदी जी जाग जाओ, भारत की अर्थव्यवस्था धकेलने पर आ रही है। और इस बात पे हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज में ला करके NSUI यूथ कांग्रेस और कांग्रेस ने पुतला दहन किया। मैं अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती।